चरक वन, जल महाभूत, पेज नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। शिल्पी जी आज ज्वाइन नहीं हुई है ना? मैम का स्टार्ट जाने। करिए। हाँ हाँ स्टार्ट करते हैं ना। कौन पढ़ता है जल महाभूत? अरुण अरुण एक मैम नंबर पढ़ेगी, किया अरुण आपने। बाला मैम। आजकल उनका ऐसा आवाज कर नहीं लेना सुनाई तुम दे रहा है पढ़े, किसी। आज हम पढ़े, घर पे है फ्री। हाँ मैम आप पढ़ घर सकते हैं तो पढ़िए। अरे घर पे पढ़ ले, बोले तो आप। पढ़ लीजिए। हाँ चलिए, आज मौका मिला है, घर पे है तो पेज नंबर बता दीजिए आप। ठीक पेज नंबर 66 जल महाभूत। है, मैं पढ़ती हूँ, अब निकाल लो। मैडम बुक निकाल रही हूँ। ठीक है, मिल गई। मेरी आवाज रही रही है मैडम? है, आ रही है। स्टार्ट करूं मैडम? तो हाँ सर, हाँ, स्टार्ट कीजिए ना। महाबोध का तो मैडम 67 पेज तक हो गया था ना अपना? कल कल किया था क्या? हाँ मैम 68 से करो ना। चलेगा हाँ फिर। 67 एंड 68 से शुरू करना है पहली लाइन, है ना? हाँ हाँ मैम बाकी चलो मैं पढ़। पूर्व में से बहुपर्दा समेत तो महा, बाकी सब भाई कम आप करो। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। पूर्व महाभूतों वायु अग्नि की अंत कला ने मन तोड़ दिया हो, या कुट्टी मिली हो तो मन की अंगुली में आठ हॉरिजॉन्टल में मन और जल दोनों बिंदुओं पर ऊर्जा को बढ़ाकर टोनिफिकेशन, वाद विवाद, संपत्ति के झगड़े आदि का निवारण संभव है। किंतु यदि जन्म से ही क्रूरता, रुद्रता हो तो दाहिने अंगूठे की सूत्र 0 मेरिडियन के जल के बिंदु पर ऊर्जा बढ़ाते हुए निरंतर उच्चार करना श्रेयस्कर हो सकता है। साथ में जिस प्रकार शरीर को पंच महाभूत प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड के नवग्रह मनुष्य को उसके संचित पूर्ण कर्म के आधार पर प्रभावित करते हैं। उसके साथ उपरोक्त उपचार मनुष्य को ग्रह दशा से भी मुक्त कराता है। जिह्वा के स्तर से जीव जल भोजन को इतना क्लेदित कर देता है कि भोजन को फिसल कर लंबे समय तक यात्रा तय करने में मदद मिलती है। पाचन प्रवाह पर GIT में आपे महाभूत आहार से संयोग करके किसी की भी रूप में उसको स्वरूप प्रदान करने में मदद करता है। स्टोमिक अमाशय ग्रहणी ड्यूडेनम पित्ताशय जीभी अग्नाशय पीएल इत्यादि से तरल स्रावित होते हैं जो कि आपे हैं, और आपके द्रव्य एंजाइम्स एवं हार्मोन्स से निर्माण एवं पुनर्निर्माण क्रम में संघात करके शरीर के अंग उपांग को वृद्धि और सौष्ठव प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये भौतिक और पराभौतिक दोनों ही स्तर पर वृद्धि एवं संघात करने का कार्य करता है। जल हाँ कोई वेटिंग में है क्या? देखो हाँ हाँ जल विषजातीय द्रव्यों को अपने में घोलकर गंदगी दूर करने का कार्य करता है, तथा अग्नि से मिलकर विषजातीय द्रव्य को शरीर से अलग कर शरीर को रोग मुक्त होने में पूरा योगदान देता है। जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में उसका भाग जलीय द्रव्य है, इसी आवाज प्रकार क्लियर हमारे नहीं आ शरीर रही है में मैम आपकी। नहीं आ रही है। मैं हेडफोन्स चेंज कर लूं? बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या? हाँ मतलब ऐसा एकदम क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस। मैं हेडफोन चेंज कर रही हूँ, एक हाँ मिनट। मैम पेज नंबर
अभी मैम पढ़िए, पेज नंबर, ओके पेज नंबर 68, पैराग्राफ नंबर मैम, थ्री। ओके मैम। देखो कितना अच्छा लिखा है ना, जब भी झगड़ा होगा हम लोगों का घर में या किसी से, तो हाँ मन के फिंगर में, मन के या वर्टिकल में चाहे हॉरिजॉन्टल में, दोनों को, मन को और जल को, दोनों को टोंग कर दे। हाँ और जब हमारे बचपन से कोई कोई हो ना, क्या नाम है, लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े, सब लोग पीढ़ी से आ रही, हाँ पीढ़ी पीढ़ी से जात चली आ रही रहते होती, हैं। तब उस समय अगर दुश्मनी हो 10 साल 5 साल की है, वैसे लंबी दूरी से, तब हम लोग जीरो पे काम करेंगे, यानी थंब पे, थंब पे हम लोग टोनिफाई करेंगे जल और मन को एक साथ। मैडम अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ हाँ रही है अब क्लियर? हाँ हाँ आ रही। हाँ चेंज कर लिए हेडफोन्स। हाँ तो इस आधार पर प्रतिदिन ग्रहा भोजन में से 3/3/4 भाग जलीय होना चाहिए, अतः प्रतिदिन 3 लीटर जल ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से जल शरीर के पूर्व के समस्त महाभूतों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार इसका दूसरा कार्य सफाई करना भी है। त्वचा के कम से कम 6 स्तरों से पसीने के द्वारा निकलने वाले अंडज एवं उद्भिज अथवा शरीर के रोम कूपों में प्रकट होने वाले खाज एवं खारिश के घटक, इन्हें जल ही विभिन्न रोम कूपों के माध्यम से बाहर फेंकने का प्रयास करता है। अंतस्थ कान जैसी जटिल संरचना में से पीप के रूप में तरल पदार्थ का बाहर करना, आंख से आंसू, नाक से श्राव, मुख से लार का निकलना, ये मस्तिष्क के भाग से गंदगी दूर करने तथा जिन रोगों का निदान सूत्र है। कांख गुप्तांगों, सिर के रोम कूप इत्यादि से सफेद स्राव अथवा पपड़ी, खाज खारिज आदि होना, इसी प्रकार से नाभि से पिच्छिल द्रव का निष्कासन, स्त्रियों के योनि से श्वेत प्रदर तीव्र एवं गंभीर रोगों का सूचक है तथा उपचार की आवश्यकता की ओर इंगित करता है। इनका जल द्रव्य किसी ना किसी रूप से इनका कारण है। जल एवं संस्कार का संबंध, संघात किस प्रकार करेंगे? कुम्हार जल और मिट्टी का संयोग कराता है, यह अनुपात कितनी मात्रा में होना चाहिए यह उसके परिमाप संख्या को बताता है। मार्दवता पैदा करने के लिए कितनी बार मिट्टी को जल से मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, यह संख्या और परिमाप बताता है। ऐसे ही एक मुट्ठी आटे के लिए कितना जल मिलाएं कि लुगदी तैयार हो सके, ये संख्या परिमाप पर निर्भर है। अतः किसी भी संघात के लिए संख्या परिमाप आवश्यक है। जल के संयोग से ही कफ बना और उसी के संयोग से पित्त बना, इस प्रकार 3 धारणात्मक बलों वात पित्त कफ में से 2 पित्त कफ के निर्माण में जल का योगदान है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार भूमंडल पर 2/3 भाग जल है, उसी प्रकार शरीर रूपी ब्रह्मांड में इसका सृजनात्मक कार्य भी 2/3 है। मनुष्य के जीवन में जल प्रेम का प्रतीक है। अग्नि जिस अधिकरण में वास करती है उसी को जला देती है, जबकि जल प्रेम का दूसरा रूप है। अतः अग्नि ताप का जल नियंत्रण कर उसके अधिकरण को नष्ट होने से बचाता है। जल उचित मात्रा में संयोग करके उपयोग के लिए आधार तैयार करता है। यदि पतला घोल हो तो लुगदी नहीं बन सकती। जब सूखा आटा व जल का संयोग उचित मात्रा में होगा तभी वह प्रयोग के लायक बनेगा। आटा पार्थिव है लेकिन जल से संयोग किया तो रोटी बन गई और अग्नि से संयोग किया तो पंजीरी बन गई। पार्थिव स्वयं क्रियात्मक नहीं है। यजुर्वेद में जीवन, प्रकाश व प्रेम, लाइफ लव एंड लाइट के रूप में जल को प्रेम, मिलाप, संयोग, बंधन का प्रतीक माना गया है। एल इज द कैनवस ऑफ क्रिएशन, इधर इट इज ह्यूमन बॉडी और कॉस्मस। जल एवं काल का संबंध, भौतिक एवं पराभौतिक स्तर पर दोनों ही महत्वपूर्ण है। काल का जल से स्थूल रूप से संबंध मौसम एवं ऋतुओं के रूप में परिलक्षित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यजुर्वेद के अनुसार क्रिएटिव क्रिएटिव सृजनात्मक तत्व है वायु, अग्नि व जल। वर्ष जो काल की स्थूल इकाई है, इसका विभाजन ऋतुओं के क्रम में करने पर प्रथम ऋतु बसंत के नाम से वायु,
दूसरी ग्रीष्म काल अग्नि का प्रतिरूप और तीसरा पावस काल अर्थात वर्षा ऋतु जल के रूप में जाना जाता है। समयांतर्गत वर्षा ऋतु का आगमन सृष्टि के निर्माण एवं पोषक में सहायक है। साम्य रूप से वर्षा काल का समय से आगमन और उचित मात्रा में जल का बरसना, भूमि का उचित रूप से सिंचन होना आवश्यक है, तभी उसी के अनुरूप कृषि विकसित होगी। अन्न के उत्पादन से भौतिक जीवन के भरण पोषण का आधार जल और समय का संबंध तैयार करता है। शरीर में भी समय से जल का ग्रहण करना और उत्सर्ज रूप में जल का निष्कासन समय नियंत्रित करता है। इसी प्रकार मूत्र का उत्सर्जन रात्रि में काल द्वारा नियमित होने के कारण मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो सकता है। यदि काल का व्यतिक्रम होता है तो बच्चे निद्रा मग्न होने के कारण बिस्तर पर पेशाब करते हैं और पेशाब की निवृत्ति के लिए बड़ों की निद्रा बाधित होती है, जो रोग का परिचायक होता है। ऐसे में जल सूत्र मेरिडियन में फोर सीडेट सिक्स टोन से ऐसे रोगों का सफल उपचार हो सका है। ये अद्भुत उपचार है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म, आहार, विहार, निद्रा सभी समयाधारित हैं एवं समय उन्हें नियंत्रित करता है। जल का पराभौतिक स्वरूप संघात, बंध, बंधन, मिलन, दया, प्रेम अनेक रूपों में परिलक्षित होता है। मनुष्य में समय ही जल के साथ संयोग कर मैत्री, वात्सल्य, रोमांस, सौहार्द आदि विलक्षण लक्षणों को जन्म देता है। युवावस्था में समय जल के और अग्नि के साथ संयोग कर रोमांस को उत्पन्न करता है। युवती के मातृत्व काल में समय दुग्ध का श्रवण कर माँ में पुत्र के लिए वात्सल्य की उत्पत्ति का कारण बनता है। यह स्थिति समय और जल में अद्भुत संयोग को प्रकट करती है। समय समय पर जल के संयोग के कारण मित्रों में मैत्री भाव एवं शत्रु में शत्रु भाव जल के अभाव के कारण होता है। मनुष्य में समाज के प्रति सौहार्द जल और समय का संयोग ही व्यक्त करता है। जल एवं दिशा का संबंध। जल की दिशा को समझने के लिए जल के दो अत्यंत विशिष्ट गुण मंद और द्रव्य विचारणीय हैं। नदियों में जल का प्रवाह इन्हीं दो गुणों के कारण होता है और इन्हीं के कारण जल अपनी दिशा निर्धारित करता है। द्रव्य का गुण प्रवाह बहना है, जो कि स्थान स्पेस पर आधारित है। जल सामान्यता ऊपर से नीचे की दिशा में बहता है, किंतु जल जिधर भी स्थान पाता है उसी दिशा में बहने लगता है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे छिद्र में भी इसका प्रवेश अनेक दिशाओं में हो जाता है। जैसा स्वरूप धारण करता है उसी दिशा में बहने लगता है। उदाहरण के लिए मध्य इमारत में कुशल इंजीनियरिंग के बाद भी वर्षा काल में शीत मॉइस्चराइजर देखा जाता है, जिसका कारण है जल जो सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर दीवारों को क्लेदित कर देता है। शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र एवं लिम्फेटिक लसिका तंत्र सिस्टम की ओर यदि ध्यान दें तो हम देखते हैं कि छोटी बड़ी रक्त शिराओं में एक विशिष्ट दिशा में प्रवाहित होने वाला प्लाज्मा एवं रक्त किस प्रकार से कमजोर रक्त वाहिनियों को तोड़कर अपना प्रसार करके मनुष्य को गंभीर रोगी बना देता है। ये उदाहरण जल का दिशा व आकाश अवतरण से संयोग प्रदर्शित करता है। जल के संघातीय एवं बद्ध क्रम के आधार पर ही माँ का पुत्र से संबंध अपर है और शेष सभी संबंध पर है। इसी प्रकार पति का पत्नी से संबंध अपर है और शेष पर है। अतः जल महाभूत भी द्रव्य है, जिसे इसके शीत गुण व संघात कर्म द्वारा जाना जा सकता है व उपचार में यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। कौन करता है? हाँ, आगे पहले आगे भी एक्सप्लेनेशन करना है क्या मैडम? रुकिए रुकिए, कौन कर रहा है? करो कोई एक्सप्लेन। आभा मैम काफी करेंगे, बढ़िया आभा। प्रश्न। हाँ,
आभा मैम करी। सर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पेज नंबर 68। 68 के टॉप से, टॉप से, टॉप पेज, 68 का टॉप पेज, हिंदी बुक 68 पेज, टॉप, टॉप लाइन। हाँ ठीक है, ठीक पढ़ती हूँ मैं। वैसे मुझे बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। पूर्व महाभूतों वायु अग्नि के अंतःकलह ने मन तोड़ दिए हों, अथवा कुट्टी मिली हो तो मन की उंगली में 8 हॉरिजेंटल में मन और जल दोनों बिंदुओं पर ऊर्जा को बढ़ाकर वाद विवाद संपत्ति झगड़े। यानी यहाँ पे जल का महत्व तो बताया है कि अगर कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हो गए हों तो उसके साथ जल के साथ मन को मिलाना होता है, मन के पॉइंट। किंतु यदि जन्म से क्रूरता रौद्रता हो तो दाहिने अंगूठे की स्रोत संख्या 0 मेरिडियन के जल बिंदु पर ऊर्जा बढ़ाते हुए टॉनिफिकेशन। 0 मतलब तम, तम में हमें जल बिंदु को बढ़ाना, यानी कि 4 नंबर को बढ़ा करके उपचार करना है। साथ में जिस प्रकार शरीर को पंच महाभूत प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड के नवग्रह मनुष्य को उसके संचित पूर्ण कर्म के आधार पर प्रभावित करते हैं। जैसे पांच पांच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसी तरह से ब्रह्मांड के नवग्रह मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर प्रभावित करते हैं। यानी कि 10 जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह का मतलब कौन है, क्या है सर बताइए। हाँ ये तो पंडितों से पूछना पड़ेगा, नवग्रह कौन कौन सा है। नवग्रह सर, 9 ग्रह तो हम लोग ये सब शुक्र, शनि, ये सब मानते हैं ना, बुध, मैं बोलती बुध, हूँ मैम, मैं बताती शुक्र। हूँ। हाँ बताइए। हाँ, ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु सर्वे गिरः शांति करा भवन्तु। आया समझ में? अभी वो पूरा ग्रह नहीं आया? भी बता दीजिए। हिंदी बताइए, हिंदी हिंदी। हाँ, ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी भानु शशि, भानु मीन्स सूर्य, भानु सूर्य, शशि चंद्रमा, भानु शशि सूर्य, क्या है ये, गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु बृहस्पति। हाँ सर्वे, गुरु मतलब बृहस्पति। हाँ, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, मेरे घर में सुख शांति की वृद्धि करो। ठीक है, मतलब ये जो जैसे क्या है, ब्रह्मा मुरारी स्फ्रांतकारी भानु माने सूर्य, भानु शशि भूमि, भौम, चंद्रमा, सूर्य, भौम माने ये नहीं, भौम माने चंद्रमा। ये मंगलवार, मंगल का हो गया ना, मंगल ग्रह। अच्छा भानु शशि भौम सुतो बुधस्य, बुधस्य बुध, बुध ग्रह। ठीक है, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्रस्य शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये नवग्रह आ गए, आ बुध, गया समझ में? बृहस्पति, नहीं, शुक्र, शनि, शुक्र शनि राहु, राहु केतु। केतु, हाँ ये सब आ गए, बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। अब भौम माने मंगल हो गया, सोम माने सोम, सोम हो गया, सोम ग्रह। ठीक हाँ सोमरथ। है, सूर्य, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये भी सब ग्रह में आता है ना। तो ठीक है, हाँ उसी तरह, हाँ हाँ ठीक है तो मैम, ये 9 ग्रह भी मनुष्य के कर्म के आधार पर उसको प्रभावित करते हैं, जो उसका संचित कर्म है। यानी यह हाँ जो हमारे उसमें कल्पना है कि पूर्व जन्म में जो कर्म किया है वो संचित कर्म माना जाता है। फिर है जिह्वा के स्तर से ही जल भोजन को इतना क्लेदित कर देता है कि भोजन को फिसल कर लंबे समय तक यात्रा तय करने में मदद मिलती है। यानी कि जल का कार्य है भोजन को क्लेदित कर देना, नहीं उसको गीला कर देना या उसमें अपना अंश भर देना।
जिससे कि GIT जो पाचन पथ है उससे आहार का ठीक संयोग हो जाए और उसके पाचन में मदद मिले। हाँ लीना मैम मैडम, बोली। हाँ ये ना ये जो ग्रहों का अपन जो बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हाँ मैंने एक दिन पढ़ा था मैंने, ये एडवांस में पढ़ा था, ये मेरे ख्याल से 1 मिनट, ये चरक 1 में ना पीछे दिया हुआ है पूरे ग्रह के बारे में, पूरी स्थितियां भी दी हुई हैं, है ना, कि कहाँ कौन सा ग्रह होता है। पेज नंबर 216 के अराउंड है चरक 1 में पूरे ग्रह बने हुए हैं और पूरा बताया है उसमें, मतलब एडवांस में है अपने उसमें, कि ये देखिए आप 216 किसी के पास है, चरक 1 तो खोलिए हिंदी बुक में पेज नंबर, चरक उसमें वन पूरे यही ग्रह है की। ना, चरक वन ही तो है मैडम अपना। हाँ, हाँ तो यही जो तो चरक। सीवी हाँ ये दिया है मैम, दिया है जो CV1 है ना, वो ब्रह्मांड ब्रह्मा का के स्थान होता है, CV1, चरक। CV1 ब्रह्मा का होता है और CV14 बुध का होता है, और जो अपना अंगूठा आता है ना, अंगूठे पे केतु आता है, तो मतलब इस तरह से पूरे बने हुए हैं ये पूरे नाइन बने। चक्र और ये ब्रह्मांड। इसके हाँ, और ये जो महाभूत है उससे भी इसका साम्यता दिखाई गई है, जैसे ब्रह्म का तम हाँ से है, हाँ सूर्य हाँ रवि का पेज नंबर आकाश क्या है। है? पेज नंबर कौन सा है? टू पेज नंबर 216 सिक्सटीन हिंदी बुक 216 हिंदी बुक में पूरा, तम जो होता है ब्रह्मा जी होते हैं ना, और आत्मा केतु होती है, मन राहु शनि दिशा, शुक्र काल, गुरु पृथ्वी, बुध जल, मंगल अग्नि, चंद्र वायु और सूर्य आकाश, ब्रह्मा तम, सब दिए हुए हैं ये। और इसके जस्ट पहले मैम ग्रहों द्वारा उपचार की उत्पत्ति का आधार भी दिया हुआ है। हाँ वो भी दिया हुआ है, वही मैंने एक दिन पढ़ा था तो मुझे याद आया, जब आप लोग एक्सप्लेन कर रहे थे ना मंत्रा के द्वारा, तो मैं कही तो मैंने पढ़ चुकी हूँ कहीं पर, क्योंकि तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा बुक को पहले से रीड करके रख लेती हूँ, एक बार समझ में कुछ नहीं आता है बट एक बार ध्यान रहता है कि कहीं कुछ दिया है। अरे मैम आप खोलते तो हो, धन्यवाद आपका। मैडम मेरा क्या, मेरी जॉब जो है ना लंबी ट्रेवलिंग वाली है ना, तो उसमें बैठे बैठे कॉमिक की तरह बुक ही पढ़ती रहती हूँ, बैठे बैठे भर भर के ले जाती हूँ बुक्स, और क्या वो बढ़िया क्या है करूँ, ना, बुक ही उसको पढ़ टाइम समझ में मिलता। आता नहीं है बट पढ़ लेती हूँ, बस पढ़ लेती हूँ, आप मैं लोग तो एक समझाते तब तरफ भी आता से है। मैम, एक तरफ से मैं खड़े खड़े होके तैयार भी हो रही हूँ, कहीं पार्टी में जाना है और वो जाना बहुत जरूरी है, अवॉइड नहीं कर सकती। ठीक है, फटाफट तैयार भी हो रही हूँ, सुन भी रही हूँ, कुछ तो समझ में आएगा। ये चार्ट भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ब्रह्मा वही ना कुछ तो आ जाता अपन लोग सूर्य डिस्कस बहुत चंद्र अच्छा करते हैं मंगल बुध जिंदगी। बृहस्पति शुक्र जी, शनि राहु बहुत केतु। बढ़िया दिया है ये। हाँ, और उसके ये हमें अगले सेमिस्टर में है, फोर्थ फिफ्थ में है ये, अभी हाँ नहीं लेकिन नहीं डिस्कस कर सोच सकते है। हैं उसको, सोच सकते हैं ताकि वो अगला और अच्छा समझ में आ जाए, मतलब जब मिल रहा है अपन को सामने बुक में तो थोड़ा डिस्कस कर हाँ सकते हैं अपन। बराबर, ये ठीक है नील चक्रा पे है चलिए सब। मैडम आगे पढ़े, हाँ चलो आगे चलो, करते हैं। हाँ नील हाँ चक्रा पे मैम लीना मैम चलिए बताइए, अब ठीक है। आप अच्छे से बता दी। अभी ये जो हमने देखा यहाँ पे, ये जो चार्ट है, ये चार्ट में क्या दिखाया हुआ है कि ये सभी चक्र जो है अपने बॉडी में, ये अपने हाथों पे है, ये सीवी सीवी की मेरिडियन से शुरू हो रहा है ना, फिर ये अंगूठे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सभी जो ग्रह है, ये ग्रहों का इफेक्ट अपने ऊपर होता है, लेकिन जल के बिंदु पर ऊर्जा बढ़ाते हुए हम अगर टोनिफिकेशन करते हैं, अगर हम टोनिफिकेशन करेंगे जल के बिंदु पर ऊर्जा बढ़ाते हुए निरंतर उपचार करने से, क्या होगा कि ये जो इफेक्ट अपने ऊपर, किसी किसी को होता है ना, किसी को राहु का इफेक्ट होता है, शनि का इफेक्ट होता है, तो हम उसका कम कर सकते हैं, तो ये टोनिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है, टोनिफिकेशन और सिडेशन। फिर उसके बाद में जल का इम्पोर्टेंस क्या है, जल क्या करता है, हमारे जीवा के स्तर से ही जल भोजन को इतना क्लेदित कर देता है कि भोजन फिसल कर आगे निकल जाता है, आगे आगे जा सकता है, हम उसे तो सलाइवा में मिक्स करके, सलाइवा मिक्स होता है जब हम चबाते हैं किसी भी निवाले को, हम जब मुंह में डालते हैं, हम चबाते हैं, तो उस वक्त हमारे मुंह में ही सबसे पहला सिक्रीशन स्टार्ट होता है, वो है सलाइवा। सलाइवा क्या उसमें मिक्स होता है, यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो
यहाँ पे जल महाभूत उसमें मिक्स हो गया, और अभी ये रूखा रूखा नहीं रहा, वो उसमें गीलापन आ गया, तो वो जल्दी से नीचे चला जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो जीआईटी में ये काम करता है, पाचन प्रवाह पर। जीआईटी में अप्य महाभूत आहार से संयोग करके किसी भी रूप में इसको स्वरूप प्रदान करते करने का ये मदद करता है। आमाशय, स्टमक, ग्लियोरीना, पित्ताशय से होकर तरल स्रावित होते रहते हैं, जैसे कि मुंह में जैसे सलाइवा सिक्रेट होता है, वैसे ही सभी ऑर्गन्स में सिक्रीशंस होते हैं। हमारे स्टमक में भी सिक्रीशन होता है, डियोजेनम में भी सिक्रीशन होता है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर में भी सिक्रीशन होता है, पैनक्रियाज में भी सिक्रीशन होता है। तो ये तरल पदार्थ स्रवित होते हैं और वो उसमें मिक्स होते हैं। तो फिर वो आगे जाएगा और डाइजेशन होके वो एब्सॉर्ब भी होगा, फिर वो उसको अंदर भी लिया जाएगा। इससे क्या होता है, फिर ये हार्मोन्स सिक्रीशन से, ये हार्मोन से निर्मिति और पुनर्निर्माण के क्रम में संघात करके शरीर के अंग उपांगों की वृद्धि और सौष्ठव प्रदान होता है। इससे क्या होगा कि अपने अंग उपांग की वृद्धि होगी। ये जो रस निर्माण हो गया है, ये जल महाभूत उसमें ऐड होने की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होगी, सौष्ठवता बढ़ेगी। इसी प्रकार भौतिक और पराभौतिक दोनों ही स्तर पर वृद्धि और संघात करने का कार्य ये जल महाभूत करता है। जल विषय जातीय द्रव्यों को अपने में घोलकर गंदगी दूर करने का कार्य भी करता है। इसी प्रकार जैसे कि अभी तो ये तो इम्पोर्टेंट थिंग्स हो गए, जो कि उन्होंने हार्मोन सिक्रेट किया और वो हमारे फोन, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो जल विष जातीय द्रव्य भी हमारे हमारे अंदर विष जातीय द्रव्य भी निर्माण होते हैं। अगर कोई विष जातीय द्रव्य अगर गया तो वो क्या करता है, उस गंदगी को भी वो दूर करने का काम करता है। इस प्रकार हमारे शरीर में 2/3 पार्ट जो है वो जल द्रवीय है। जैसे कि ब्रह्मांड में 2/3 पार्ट जल का है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी 2/3 पार्ट जल से भरा हुआ है। प्रतिदिन ग्राह्य भोजन में 3/4 भाग जलीय होना चाहिए। इसलिए हम जो भी खाना खाते हैं, उस खाने में 3/4 पार्ट जल का होना चाहिए। आप जूस लो, सब्जी आपकी पतली होनी चाहिए, सूखी सब्जी नहीं चाहिए, तो किसी भी तरह से लो, आप छाछ के रूप में लो, किसी भी तरह से लो, लेकिन हमारे भोजन में 3/4 पार्ट जल का होना चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार जल शरीर के पूर्व के समस्त महाभूतों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार दूसरा कार्य सफाई का भी करता है। जैसे कि उसने जोड़ने का काम किया, जल का काम क्या है, जल का काम जोड़ने का है। दो दो ड्राई थिंग्स अगर होंगे, दो आटे हैं, आटा है, तो आटा वैसा ही हम इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पानी डाल के उसे गूंथते हैं। अभी ये गूंथने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उसमें पानी डालना पड़ा, है ना। पानी के बगैर हम कर सकते थे क्या, नहीं। तो फिर पानी ने यहाँ पे क्या किया, दो द्रव्यों को जोड़ने का काम किया। इस प्रकार जल शरीर के पूर्व के समस्त महाभूतों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार उसका दूसरा कार्य सफाई करना भी है। जो गंदगी है, वो गंदगी जैसे कि हमारे किडनी में जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं, वो वहां पे छन्नी का काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी में। जो जो विष द्रव्य पदार्थ है, उसे हम यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया जो भी है, वो यूरिन के रूप में यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है। तो इस तरह से
सफाई भी करता है ये जल महाभूत। त्वचा के कम से कम 6 स्तरों में पसीने के द्वारा निकलने वाला अंडज और उद्भिज अथवा शरीर के रोम कूपों में प्रकट होने वाले खाज एवं खारिश के घटक इन्हें जल के विभिन्न रोम कूपों के माध्यम से बाहर फेंकने का प्रयास करता है। अभी ये जल महाभूत क्या किस तरह से बेचता है, तो ये हमारे रोम कूप जो है अपने स्किन पे जो छोटे छोटे होल्स है, रोम कूप जिसे कहते हैं, तो ये रोम कूपों के द्वारा ये विष जातीय जो जो अनावश्यक है हमारे शरीर के लिए, जो अनावश्यक पार्ट है वो पार्ट बाहर डालता है। कि कैसे डालता है, तो वो हमारे शरीर के रोम कूपों से। अब ये रोम कूप कौन कौन से हैं, अंतस्थ कान जैसे जटिल संरचना में से पीप से रूप में तरल पदार्थ का बाहर करना, हमारे कान में से मैला मैल निकलता है ना, वो आंख से आंसू, नाक से स्राव, मुख से लार का निकलना, ये मस्तिष्क के भाप से गंदगी दूर करने तथा जीर्ण रोगों का निदान सूत्र है। तो आंख में से अक्सिला, गुप्तांगों, सिर के रोमकूप इत्यादि से सफेद स्राव अथवा पपड़ी एवं गंभीर रोगों का सूचक है। अगर ये ज्यादा ज्यादा ठीक अगर ये आ रहा है, पपड़ी जैसा आ रहा है, पानी जैसा आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये ज्यादा आ रहा है, व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये रोग का सूचक है। ये बताता है कि डिसीज है। इसी तरह से इस प्रकार के नाभि से पिश्चिल द्रव्य का निष्कासन, स्त्रियों की योनि से श्वेत प्रदर, तीव्र एवं गंभीर रोगों का सूचक तथा उपचार की आवश्यकता की सूचना वो देता है। इनका जल द्रव्य किसी न किसी रूप से इनका कारण है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जल एवं संस्कार का संबंध क्या है, संघात किस प्रकार करेंगे। कुम्हार जैसे कि अभी बताया मैंने कि दो आटे हैं, एक गेहूं का है तो एक ज्वार का है, अगर हम दोनों मिलाना चाहते हैं तो पानी डालना पड़ेगा तो ही हम उसे गूंद सकेंगे। उसी तरह से कुम्हार क्या करता है, मिट्टी लेके आता है, फिर मिट्टी में पानी डालने के सिवा वो डायरेक्ट मिट्टी से तो घड़ा नहीं बना सकता, तो उसे पानी लगेगा। जल कुम्हार जल और मिट्टी का संयोग करता है, फिर उसे पता होता है कितना पानी डालना है, अगर ज्यादा पानी डाल देगा तो वो पतला पतला हो जाएगा, तो उसका अनुपात भी उसे पता होता है कि अभी मुझे घड़ा बनाना है, घड़ा बनाने के लिए कितनी मिट्टी चाहिए, उसमें पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, ये उसे पता होता है। यह उसके परिमाप संख्या को बताता है। मार्दवता पैदा करने के लिए कितनी बार मिट्टी को जल से मिलाया जाए, कितना मिलाए, ये संख्या और परिमाप बताता है। ऐसे ही एक मुट्ठी आटे के लिए कितना जल मिलाए तो लुगदी तैयार होती है, यह संख्या परिमाप पर निर्भर है। अंततः किसी भी संघात के लिए संख्या परिमाप आवश्यक है। कोई भी हमें अगर जोड़ना है किसी भी एलिमेंट को अगर हम जोड़ना चाहते हैं, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाप हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार तीन धारणात्मक बलों वात पित्त कफ से दो पित्त कफ के निर्माण के जल का योगदान है। अभी वात किसे बनता है, वात किस तरह से बनता है, वायु, आकाश, वायु और आकाश से, और आकाश, पित्त पित्त अग्नि और पित्त, जल, जल, अग्नि, जल, अग्नि और आकाश, जल, अग्नि और कफ पृथ्वी और जल, और जल मतलब जल दोनों में आ रहा है, जल अर्थ महत्वपूर्ण और है। हाँ, यहाँ पे पृथ्वी और जल आ रहा है, और पित्त में अग्नि और जल आ रहा है, तो ये दोनों में जल आ रहा है ना।
इसका अर्थ है कि जिस प्रकार भूमंडल पर टू थर्ड पार्ट जल का है, उसी प्रकार शरीर रूपी ब्रह्मांड में इसका सृजनात्मक कार्य क्रिएटिव फंक्शन भी टू थर्ड ही है। जैसे बाहर ब्रह्मांड में टू थर्ड कार्य है उसका, उसी तरह से अपने शरीर में भी उसका कार्य उतना ही है। मनुष्य के जीवन में जल का प्रतीक प्रेम है ना। अगर प्रेम वो सूखा सूखा सा होगा, जो जिसका जिसके पास जल ज्यादा नहीं होगा, वो आदमी कैसा होगा? सूखा सूखा। हमने इसमें देखा ना, वायु के इसमें, अग्नि के इसमें देखा। तो जल जल ये प्रेम का दूसरा अपना मूलाधार। मूलाधार के बाद कौन सा आता है? स्वाधिष्ठान स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ट है ना, स्वाधिष्ठान चक्र। हाँ, तो स्वाधिष्ठान चक्र क्या बैलेंस करता है? जल तत्व, पूरे बॉडी का जल तत्व जो है उसका पूरा काम किसके पास है? स्वाधिष्ठान चक्र के पास है। तो स्वाधिष्ठान चक्र मतलब क्या है? तो पूरा जल तत्व को संभालता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो पूरे अपने शरीर का जल तत्व संभालता है। और स्वाधिष्ठान चक्र का गुणधर्म उसमें आता है, तो उसमें क्या है? प्रेम, प्रेम भी आता है उसमें। अगर आपका जल और भावनाएं आती है, भावनाएं है ना, क्रिएटिव जल भी आता है, क्रिएटिव भी आता है। हाँ, जैसे क्रिएटिविटी स्वादिष्ठान बोलो। चक्र ठीक होगा ना तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हाँ जैसे जल हाँ तत्व से भी यही हो रहा है ना, हर चीज हाँ अब तैयार हो रही है, बन रही है, वैसे तैयार। उसमें भी होता है स्वादिष्ठान चक्र। हाँ, जैसे क्रिएटिविटी कोई भी बहुत अच्छा उसी म्यूजिक है, म्यूजिक में। बजाता है बहुत अच्छा, कोई डांस करता है, तो क्रिएटिविटी इंसान में है। ऐसी जल तत्व की भी अपनी तो हाँ वही हो हाँ गई है। तो मैम ये वम वम बोलेंगे तो जल तत्व बढ़ेगा बॉडी में। इसको क्या है ये हाँ बताओ। हाँ 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 जल तत्व ऐसे ओम ऊपर जाता है। जल नहीं तत्व ओम 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 कहने से क्या होता है ना कि मैम, जो वम वम वम, वम आता है ना बॉडी में हाँ बर्न। उसका वम आता है ना। हाँ, वो जल तत्व अपना बैलेंस होता है, ऊपर जाता है, वो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होता है। कितनी बार करना होगा ऐसे? ऐसे आप अभी जब आप तो 10-15 मिनट भी कर सकते हो। 10-15 मिनट उसको बोलते रहो ना। हाँ, 10-15 मिनट बोलते रहो। अच्छा हाँ, क्या बोलना मैम? मेन मेन आ से शुरू ओम। होता है उच्चारण हाँ मैडम, मेन आ से होता है, आ उ म, आ उ म, तो जी, आ की शुरुआत नीचे से होती है। नहीं, वो हर एक इसका बोल रहे सर, अच्छा, जैसे कि लम वम चक्रा का, हर यम चक्रा का एक मंत्र है। हम। हाँ, हम ये है ना, सभी चक्र के वो मूलाधार चक्र के बारे में बोल बोल। रहे हैं। मूलाधर का लम है ना, मूलाधर का लम। ओके। मनुष्य के जीवन में जल प्रेम का प्रतीक है। अग्नि जिस अधिकरण से वास करती है उसी को जला देती है, जबकि जल प्रेम का दूसरा रूप है। अतः अग्नि ताप का जल नियंत्रण करता है। अग्नि का